लोग ठेठ वहाँ नीचे से आ रहे हैं और बाइक वहाँ से चढ़ते चढ़ते वहाँ बंद हो गई। यहाँ से थोड़ा पैदल जाना है। ये महादेव जी का बहुत ही प्राचीन ये मूर्ति है और ये मूर्ति स्वतः ही प्रकट हुई भी मूर्ति है, स्वयंभू मूर्ति है ये। तो ये वही माना जाता है कि भाई कहीं पे भी जाते हैं जहाँ महादेव जी की मंदिर हो या माता जी का मंदिर हो और वहाँ जाके जैसे ऊपर आके मकान वगैरह ऐसे बनाते हैं पत्थरों का, तो उनका खुद का जो घर का सपना होता है वो पूरा हो जाता है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका ट्रेवल अमेजिंग प्लेसेस ब्लॉग्स में और मैं हूँ आपका अपना रुद्रेश। और फिर हम एक लोग एक ऐसे अमेजिंग प्लेसेस प्लेस पे आ गए हैं और आपको अंदर दिखाते हैं। महादेव जी का प्राचीन मंदिर है, जोधपुर से 35 किलोमीटर जब दूर हम चमंडा गांव है, चमंडा माता जी का मंदिर है वहाँ पे। वहाँ से थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा सा चढ़ाई है। तो अगर बाइक वाइक है तो आप लोग अगर बाइक चलाने में एक्सपर्ट है तो आराम से आ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं तो आप लोगों को थोड़ा पैदल चल के आना पड़ेगा। तो गाइस एक नए और मस्त प्लेस पे हम लोग जब वहाँ माता जी के मंदिर से निकले थे तो ऊपर एक और महादेव जी का मंदिर है और आपको दिखाता हूँ। हम लोग ठेठ वहाँ नीचे से आ रहे हैं और बाइक वहाँ पे चढ़ते चढ़ते वहाँ बंद हो गई। यहाँ से थोड़ा पैदल जाना है, पैदल जाऊँगा क्योंकि बाइक पुल अकेले तो चला पा रहा है, बट उसके ऊपर अगर मैं बैठ रहा हूँ तो बाइक ऊपर नहीं चढ़ रही है। ये थोड़ा यूँ चढ़ाई है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये देखिए गाइज, व्यू तो काफ़ी ज़ोरदार व्यू है यार। ये आप लोग पीछे देखिए, ये पवन चक्की, सारी पवन चक्कियाँ हैं और ये इधर पहाड़ है और इधर से जहाँ से पुल लगा रहा है इधर से थोड़ा सा और आगे जाना है और आगे महादेव जी का मंदिर है। तो ये ऐसा कुछ नज़ारे हैं, ये देखिए कुछ अलग ही प्लेस पे आ गए हम लोग, पता नहीं। ये देखिए यहाँ पे ये सामने के नज़ारे देखिए आप यार, ऊंचाई से कितना शानदार लग रहा है, काफ़ी मस्त व्यू है। कोई नहीं है गाइस, कोई नहीं है, सिर्फ मैं और पुल्लक हैं और ये पहाड़ हैं और ये इधर पवन चक्की है बस, और कोई भी नहीं है। तो कैसा लग रहा है पुल्लक, ये ऐसे हिडन प्लेस में आके? मजा आ रहा है, तू तो बाइक से आ गया, मुझे मजे ज्यादा आ रहे। यार ये सुनसान जगह है, थोड़ा कोई है ही नहीं। आगे कोई मंदिर दिख रहा है क्या तेरे को? देख क्या, तो मेरे को सांस भरी गई यार गाइस, क्या हुआ, थक गए? हाँ तो मैं तो थकूंगा ही, तू तो बाइक पे चढ़ के आ गया ऊपर और मेरे को कह के उतर जा और की बाइक चल लेगा, तो वो ऐसे चढ़ाई ऐसे थी बाइक और खड़ी थी। और खड़ी चढ़ाई थी। हाँ, तो फिर मैं वहां से पैदल चल आ रहा हूँ, मैं तो थक गया, इतना चलने का तो डबल लोड चढ़ नहीं पाती गाड़ी, इसलिए सिंगल ही चढ़ाना पड़ा ऊपर। आप लोग जब ऊपर से आएंगे, ये देखिए यहीं पे है मंदिर महादेव का, जो हम लोग अभी चलेंगे वहाँ पे दर्शन करने महादेव के। दुर्गेश ब्रो हो गए हैं रेडी, इनकी थकान मिट चुकी है, चलें आगे। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे मकान दिख रहे हैं, नीचे गाड़ी भी जाती हुई, काफी ऊंचाई पे आ गए हम लोग। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं घर कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं और यही जो गांव है ये चामुंडा गांव है, ये पूरा चामुंडा गांव है। ये गांव करीब 600-700 साल, ये 700 साल पुराना गाँव, 700 साल पुराना गाँव। और जो हमने माता जी का दर्शन किया था चामुंडा माता जी का, तो जो चामुंडा माता जी का हमने दर्शन किया था आपने पीछे वाले पहले एपिसोड में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो यहाँ लिंक आ रहा होगा, यहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं पूरा एपिसोड पूरा ब्लॉग। और ये देखिए
जब वो माता जी के मंदिर से हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं तो यहाँ पे ये चामुंडा गांव है, जो माता जी के नाम पे ही पड़ा है। ये गाँव करीब 600-700 साल पुराना है और हम लोग यहाँ ऊपर आ गए हैं। यहाँ ऊपर महादेव जी का मंदिर, महादेव जी का मंदिर अंदर आपको दर्शन करवाते हैं। कोई दिख नहीं रहा है गाइस, अभी चलते हैं दर्शन करते हैं महादेव। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, अंदर मंदिर में हम लोग आ गए हैं और आप लोग देखिए कितनी अच्छी मूर्तियां बनी हुई हैं ऊपर। तो देखिए महादेव जी हैं, माँ पार्वती हैं, गजानंद जी हैं और इधर कार्तिक भगवान हैं। तो पूरा फैमिली का ये बना हुआ है। अंदर चलते हैं, अंदर गुफा है, गुफा जैसा है रास्ता। अंदर चलते हैं और दर्शन करवाते हैं महादेव जी का। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और मूर्तियाँ वगैरह काफ़ी प्राचीन है, तो आप लोगों को दिखाते हैं अंदर। ये देखिए गाइस, आप लोग भी दर्शन कीजिए। ये महादेव जी हैं, माँ पार्वती हैं, गजानन जी हैं और ये देखिए ये कार्तिकेय भगवान है। ये आप लोग यहाँ से दर्शन कीजिए और प्राचीन मूर्तियां हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं, ये महादेव जी का बहुत ही प्राचीन ये मूर्ति है और ये मूर्ति स्वतः ही प्रकट हुई भी मूर्ति है, स्वयंभू मूर्ति है ये। ये देखिए ये यहाँ माता जी का, माँ पार्वती जी की है। और ये मूर्ति कुछ पता नहीं चल रहा है, ये मूर्ति महादेव जी की है ना। हाँ, महादेव जी की मूर्ति है, काफ़ी प्राचीन मूर्ति है गाइस। तो ये मतलब आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी प्राचीन है, उसकी वजह से क्या कि आकार वगैरह मुख वगैरह पता नहीं चल रहा है। महादेव जी के मुख का दर्शन कीजिए गाइस, देखिए एक अलग ही भाव है महादेव जी के मुख। काफ़ी अद्भुत मूर्ति है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो काफ़ी हमने मुश्किल भरे रास्तों से हम लोग यहाँ तक आए हैं, बट यहाँ आने पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो जो सारी मेहनत थकान है वो सारी ख़त्म हो गई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ज़्यादा ही होंगे, ज़्यादा ही होंगे। सब देखो कैसे उल्टे लटके हुए हैं। महादेव जी का हमने दर्शन कर लिया है और ये देखिए अब चलते हैं, क्योंकि ये हम लोग जल्दी कोशिश करते हैं। तो हम लोग एक बार जोर से बोलते हैं, हर हर महादेव, नमो पार्वती, हर हर महादेव। होपफुली गाइस आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यहाँ पे महादेव जी के मंदिर आते हैं। जब चामुंडा माता जी के मंदिर आते हैं तो वहीं से थोड़ा सा ऊपर आना पड़ता है,
और ये महादेव जी का मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो कि लोग लाइक कर देना और जो नए यूजर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये जब जोधपुर आप जोधपुर से 35 किलोमीटर आगे चामुंडा माता जी के यहाँ है तो यहाँ जरूर आएगा उसमें करने के लिए, प्राचीन मूर्तियाँ हैं। तो धीरे धीरे चैनल के साथ फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपने अपनी श्रद्धा है लोगों की, काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, काफ़ी छोटे छोटे ऐसे लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, तो ये वही माना जाता है कि भाई कहीं पे भी जाते हैं जहाँ महादेव जी की मंदिर हो या माता जी का मंदिर हो, और वहाँ जाके जैसे ऊपर आके मकान वगैरह ऐसे बनाते हैं पत्थरों का, तो उनका खुद का जो घर का सपना होता है वो पूरा हो जाता है। तो हमने दर्शन कर लिया है, चलते हैं अब।